कांग्रेस हर पार्टी का एक ही है कि नौजवानों को शोषण करो, अपना राज करो। अच्छा एक आखिरी बात बताइए। मैं एक एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं गवर्नर अगर वो लोग जो वो जो अभ्यर्थी है अगर वो आएंगे तो अख्तर उलीमान साहब के साथ हम इस मुद्दे पर गवर्नर क्या जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या भी जाएंगे, गवर्नर साहब धन्यवाद। सीएम के पास जाता तो सीएम साहब कहते हैं कि आयोग को हमने लेटर दे दिया, यानी 9 साल सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि सरकार रोजगार देने वाली सरकार है। सबसे पहले तो दोषी तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव है, उन्होंने युवाओं को कहा था कि 10 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट में देंगे। प्रशांत किशोर जी बहुत सही कहते हैं कि अगर लालू जी रबड़ी जी के घर में तेजस्वी यादव पैदा नहीं होते तो चपरासी की नौकरी इन लोगों को नहीं मिलती। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता व युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वैकेंसी 9 साल पहले आई थी BSSC का, आयोग ने 8 साल लंबी प्रक्रिया के बाद बहाली लेती है और उसके बाद उससे पहले मेंस टाइपिंग फिजिकल कराने के बाद 13,120 सीटों के लिए 1.1 गुना के नियम पे 14,410 अभ्यर्थियों का मेगा क्रमांक कोटि पद प्रमुखता विकल्प के आधार पर काउंसलिंग के लिए योग्य पाया जाता है, जिसमें लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, किसी का फिंगर मैच नहीं किया, ठीक है ना सर, किसी किसी का था फिंगर मैच नहीं किया। सीटों से भी कम लगभग 12,000 प्लस अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, यानी 13,120 सीटों के लिए 13,120 सीटों के लिए 12,000 प्लस अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया 1.1 गुना के आधार पर जो सीटों से भी कम है। तो फिर आयोग ने यह कैसे चयन प्रक्रिया की कि 11,339 सीटों पर मेरिट दिया और 1778 अभ्यर्थियों के योग्य अभ्यर्थी को जबरदस्ती बाहर कर दिया और 1791 सीट होने के बावजूद भी 1778 अभ्यर्थी, यानी 1791 सीट भैया बाकी रह जाता है, उसके बाद 1778 अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता है और आयोग के पास ये लोग जाते हैं तो आयोग बोलता है कि सीएम साहब बोल देंगे एक बार तो हम कर देंगे। आयोग के पास सीएम के पास जाते तो सीएम साहब कहते हैं कि आयोग को हमने लेटर दे दिया, यानी 9 साल सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि सरकार रोजगार देने वाली सरकार है। सबसे पहले तो दोषी तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव है, उन्होंने युवाओं को कहा था कि 10 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट में देंगे। प्रशांत किशोर जी बहुत सही कहते हैं कि अगर लालू जी रबड़ी जी के घर में तेजस्वी यादव पैदा नहीं होते तो चपरासी की नौकरी इन लोग को नहीं मिलती, ये एक सच्चाई है। दूसरी एक बात पूछना चाह रहे हैं, ये नौजवान जो बिहार के हैं, ये जो भी जिन्होंने भी भरा BSC के थ्रू होता है, आप ग्रुप सी का ये बहाली है, राजस्व विभाग, पंचायती राज, सामान्य विभाग, परिवहन, जल संसाधन, सूचना, आखिर नीतीश कुमार जी को इतनी दिक्कत क्या हो रही है। तेजस्वी यादव 10 लाख की बात किए थे, भाजपा यदि 19 लाख की बात करती थी, निर्मला सीतारामन आई थी बिहार में 19 लाख रोजगार की बात करेंगे। विडम्बना ये है कि इन लोग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स जानते हैं। आपको बताने में बहुत अफसोस होता है, नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार 2014 और 2019 में दिया कि 2014 में 35 सांसद NDA का किया था यहाँ से, 35। और आपको एक बात होगा कि 2019 में 39 सांसद, 40 में 39 सांसद NDA को दिया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की खासियत कि बिहार 9 साल में 80 सांसद जिस आदमी को दिया जाता है, लगभग 70-75 वो 9 साल में वो आदमी एक भी बिहार पे मीटिंग आज तक नहीं किया कि बिहार का पिछड़ेपन कैसे दूर हो, बिहार को कैसे मानचित्र पे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार और ये है नीतीश जी का कि उर्दू TET इन्होंने नहीं किया है, शमशुल होदा मदरसा नहीं किया, उर्दू शिक्षकों का नहीं किया और उर्दू ट्रांसलेटर का नहीं किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी पेंडिंग है। और तेजस्वी यादव हर दिन डींग हाँक रहे हैं, हर दिन डींग हाँक रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार। अरे भाई दो तो रोजगार, सीमांचल की आवाम चाहती है रोजगार, मिथिलांचल की आवाम चाहती है, चंपारण की आवाम चाहती है, मगध की आवाम चाहती है, भागलपुर प्रमंडल की आवाम चाहती है, लेकिन ये कोलैप्स हो गया। असल में पढ़ा लिखा नहीं है तेजस्वी यादव, ये तो पढ़े लिखे नहीं, जो आदमी पढ़ा लिखा रहता है तो उससे ना हम उम्मीद करते हैं। नीतीश जी तो पढ़े लिखे इंजीनियर है लेकिन समझ में नहीं आता, तो नीतीश जी आजकल वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि आनंद मोहन को छोड़ दो तो उसका पेरोल खत्म कर दो, उसको ये कर दो, उसको मतलब अपराधियों को निकालने में लगे हुए हैं, बच्चों के भविष्य निकालने, लेकिन नौजवान का जो भविष्य है, जो बिहार सरकार का दायित्व है कि इनको रोजगार दे। बिहार हमेशा ऊर्जावान धरती है, बिहार ने हमेशा दिया है देश को, लेकिन अफसोस इन लोग 15 साल 30 साल हो गया, 15 साल चचा, 15 साल अम्मा अप्पा के चलते 30 साल बिहार की स्थिति गुड़ से ये लोग बच्चों का सर ये लोग जब जाते हैं तो आयोग ये नहीं कहते हैं
आयोग कहती नहीं है कि नहीं करेंगे, आयोग कहती कि सीएम साहब कहेंगे तो कर देंगे, और सीएम साहब के पास जाते तो सीएम साहब भी नहीं कहते कि नहीं करेंगे, मुझे सीएम साहब कहते हैं कि हमने आयोग को आदेश दे दिया है। जो भी मतलब आयोग सीएम आयोग सीएम आयोग सीएम में सर बच्चों का तो भविष्य अंधकार में लटका हुआ सर। आयोग जो है, आयोग की जो भी पदाधिकारी, आयोग इज इंडिपेंडेंट बॉडी, आयोग सीएम के अंडर में नहीं है, बीपीएससी ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके चेयरमैन जो है उस दिन नीतीश कुमार जी अभी तो कहते हैं उसके प्रोग्राम में, अब बहुत डींग हाँक रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाप रे इन लोग बिहार के भविष्य के, मैं बिहार के नौजवानों को बोलना चाहता हूँ कि आप इन लोग का फरेब समझिए, और भाजपाइयों को, सिर्फ भाजपा हिंदू मुसलमान बोलती है, एक भी रोजगार के मुद्दे पर, एक भी जेन्युइन मुद्दे, महंगाई पर, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़े उस पर नहीं बोले कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले, पैकेज मिले, एएमयू किशनगंज बन जाए, बिहार को 10 रुपया ज्यादा मिल जाए केंद्र से, कुछ नहीं भाजपाई करती है। और वही हाल नीतीश जी का है, सिर्फ डिंग हाँकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं हुआ, पटना यूनिवर्सिटी अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो पाया, लेकिन इनको झोली झोली भर भर के लोग ने वोट दिया। और तेजस्वी यादव का भी कोकस जो था इस बार 2020 में, इनका कोकस 2020 से 25 के बीच में टूट गया है, सिर्फ ये परिवार के हैं। नीतीश कुमार अपना महत्वाकांक्षी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, तेजस्वी चाहते हैं कि इनको बढ़, लेकिन नौजवान से मैं बोलना चाहता हूँ बिहार के, ये एक्सपोज कीजिए इन लोग जैसा मक्कार अय्यार आदमी आपको नहीं मिलेगा। आप बिहार के नौजवान आगे आओ, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में साथ दीजिए, आगे बढ़िए और इन लोग को एक्सपोज कीजिए, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी का एक ही है, इस नौजवानों को शोषण करो, अपना राज करो। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, गवर्नर अगर वो लोग जो वो जो अभ्यर्थी है अगर वो आएंगे तो अख्तर उलीमान साहब के साथ हम इस मुद्दे पर गवर्नर क्या जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या भी जाएंगे। गवर्नर साहब धन्यवाद। आदिल जी ये बताइए कि आखिर आयोग सीएम ये बच्चे कब तक खेलते रहेंगे सर, अधिकारी कब तक खेलते रहेंगे? हम लोग सुनिए, उन लोग को बोलिए हाईकोर्ट की तैयार, मैं भी पेशे से वकील हूँ, मैं भी मदद कर दूंगा, उन लोग को बोलिए हाईकोर्ट जाने और गवर्नर साहब के हम लोग उन लोगों को लेके जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या, आप उन लोग के जो भी और लोग हैं उनसे अभ्यर्थियों से, हम लोग 1778 अभ्यर्थियों के एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता और एमआईएम के नेता क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ गवर्नर साहब के हम लेके जाएंगे इनको और चीफ सेक्रेटरी साहब के लेके जाएंगे, जो भी मदद होगी हम इंशाल्लाह करेंगे। उनको बोलिए हाईकोर्ट की तैयारी करें, हम भी जो मदद होगी लीगली तौर पर करेंगे और इंशाल्लाह उनकी लड़ाई एमआईएम मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया सर, शुक्रिया, ये मुद्दा आपने नौजवानों का उठाया, शुक्रिया आपके चैनल का, आपका भी शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो साथियों, आप सुन रहे थे हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता व युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी थे, इन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अख्तर उलीमान साहब के साथ हम गवर्नर के पास भी जाएंगे, सचिव के पास भी जाएंगे और आगे भी बात करेंगे इस मुद्दे को, अगर नहीं होता है तो हाईकोर्ट तक हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार को हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव जो वादा करके आए थे वो वादा से मुकर रहे हैं, उन्होंने तो वादा किया था कि माता के साथ 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन वो बच्चों के जिंदगी के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।